नमस्कार, लक्ष्मी खाने खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियां बहुत है, अब ऐसे में कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो हमने सोचा आज हम बनाते हैं एक हेल्दी सा पराठा, जिसे आप दही, अचार, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम हेल्दी, यानी कि गेहूं का पराठा, गेहूं के आटे और मूंग के स्प्राउट का पराठा, जो कि हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। इसे हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके पहले गून लेते हैं, और साथ ही हम इसमें एक चम्मच तेल भी ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा पराठा एकदम अच्छा सा बने। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से गून लेते हैं। आप तेल की जगह घी भी ऐड कर सकते हो, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गून लेंगे। फ्रेंड, हमने सेमी सॉफ्ट सा आटा गून लिया है। अब लगाते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर तेल, और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक पैन, और उसमें हमने जो एक कप स्प्राउट मूंग लिए थे उन्हें ऐड कर देते हैं, और साथ ही हम इसमें एक कप पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें मूंग को थोड़ा सा उबालना है। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं। मूंग को हमने गैस पे उबलने के लिए रख दिया है, ताकि इसमें थोड़ी सी जो स्मेल वगैरह हो वो भी निकल जाए, और थोड़ा ये सॉफ्ट भी हो जाए। इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल लेना है। मूंग उबल गए हैं, गैस को बंद कर देते हैं, और इनका पानी निकाल के इनको 1 से 2 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। मूंग का हमने जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल के 2 बार वॉश कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी जार में ऐड कर देते हैं, और इसे एकदम बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, ताकि हमारी स्टफिंग अच्छी सी बन जाए, जो कि हम पराठे में भरने वाले हैं। मूंग को हमने जार में ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करते हैं 3 हरी मिर्ची और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, और इसे ढक लगा के थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं। मूंग को हमने दरदरा पीस लिया है। मिक्सी को पल्स मोड पे चलाना है, ताकि मूंग दरदरी पीसे। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। ये हमने सूखा हरा धनिया ऐड किया है, क्योंकि अभी गीला हरा धनिया यानी कि फ्रेश नहीं आ रहा है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक कटिंग किया हुआ प्याज, वन थर्ड चम्मच अमचूर पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला, पिंच जितना हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बाउल लेते हैं बड़ा, और इन सब चीजों को करते हैं मिक्स। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच चाट मसाला। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपको प्याज ना खाना हो तो प्याज स्किप कर सकते हो। मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब करते हैं आगे का प्रोसेस। फ्रेंड्स,
आटे को भी 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये अभी अच्छी तरह से सेट हो गया है। थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं। तोए को हमने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए और इस तरह से हम इसका लोहे तोड़ लेंगे। एक लेते हैं चकला और जो हमने आटा लिया था उसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से हम रोटी बेल लेंगे, ना ज्यादा थिक रखनी है ना ज्यादा पतली करनी है, इस तरह से रोटी को बेल के रेडी करना है। फ्रेंड्स, अब जो हमने स्टफिंग बनाया था यानी कि जो मसाला बनाया था उसे हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से यानी कि इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से और इसको इस तरह से। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से सफेद तिल, जिस तरह से, और आटा डस्ट करके इसे बेल लेते हैं। सिर्फ कॉर्नर थोड़े से बेलने हैं, बाकी ये हमारा बिला हुआ ही है। फ्रेंड्स, पराठा बन गया है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो हाँ, गर्म हो गया है। पहले इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं, फिर हम पराठे इस पे ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब इसे पलट देते हैं। फ्रेंड्स, इस पे हम घी लगाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे। घी लगाने से पराठा बहुत टेस्टी बनता है और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ से पलट पलट के। इस तरफ भी अच्छी तरह से घी लगा देंगे। फ्रेंड्स, एकदम हेल्दी और टेस्टी सा पराठा बनके रेडी होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारे ये स्प्राउट मूंग का और गेहूं के आटे का पराठा खा के कमेंट जरूर करें। इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी सा सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप दही के साथ, अचार के साथ भी खा सकते हो और यदि आपको ऐसे खाना हो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पराठा भी बनके रेडी। पहले वाला पक गया है, उसे निकाल लेते हैं। ये बन गया है, इसे निकाल लेते हैं और दूसरा ऐड कर देते हैं। गैस को रखेंगे लो टू मीडियम और इसे भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे पराठे बना लेंगे। पराठे को धीरे धीरे सेकने से पराठा एकदम अच्छा सा सिक जाता है। ये हमारे सारे पराठे बनके रेडी। अब इन करते हैं गर्मा गर्म सर्व। अब हम पराठों को सर्व करते हैं। ये देखिए, इतने अच्छे से पराठे बनके रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पराठे बनके रेडी। हम
हमने इनके साथ रखा है सॉस और दही, आप किसी के साथ भी खा सकते हो। और फ्रेंड्स ये इतनी टेस्टी और हेल्दी है कि आप एक बार नहीं बार बार बनाओगे, और गर्मियों के लिए तो ये फटाफट से बन जाने वाला खाना है जो कि आप सुबह शाम कभी भी बना के खा सकते हो। अब हम फ्रेंड्स इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्प्राउट से भरा हुआ पराठा।